मैं गुरुदेव के संग से वो झुरमुट झुरमुट झरोखे के भीतर वाले को निहार सकता हूं, तो आप भी निहार सकते हैं और आपके पड़ोसी भी निहार सकते हैं। बिल्कुल पक्की, जहां एक मानव पहुंच सकता है वहां पूरी मानवता पहुंच सकती है। मैं सूरज को देख सकता हूं तो आप भी देख सकते हैं, मैं चांद को देख सकता हूं तो आप भी तो देख सकते हैं। और चांदों का चांद और सूरजों का सूरज झुरमुट झुरमुट झरोखों में जो निहार रहा है, जिससे मेरी वाणी चल रही है, जिससे मेरी बुद्धि निर्णय करती है, जिससे मेरी आंख पलके चला रही, आंखों की पलके बदलती, बुद्धि के निर्णय बदलते, वाणी के शब्द बदलते, फिर भी जो नहीं बदल रहा है वो झुरमुट झुरमुट ज्यों का त्यों। आपके दिल में ऐसे का ऐसा है कि नहीं है, कोई अलग है? बस इरादा पक्का कर लो, बस पाएंगे तो इस दिल पर दीदार को पाएंगे, पाएंगे तो इस दाता को पाएंगे, बस बाकी की चीजें तो आपके लिए पालतू कुत्ता जैसे पीछे पीछे घूमता ऐसी हो जाएगी। मुझे यश के लिए कोई धतिंग नहीं करना पड़ता, मैं तो चाहता हूं कि हे भगवान कोई ना जाने ऐसी जगह पे जाऊं, लेकिन मुसीबत तो हो जाती। ऐसे ऐसे देहातों में गया, ऐसे ऐसे गांव में गया, ऐसे ऐसे इलाकों में रहने को सोचा, लेकिन एक आध दिन रहा ना रहा तो लोग पहचान जाते, फिर पूरा गांव पीछे पड़ता, भागते वहां से। मुझे तो हंसी आई, एक आदमी आया बोले बापू जी हम बहुत बीमार है, मेरे की फलाने की तकलीफ। क्या तकलीफ? बोले बुखार है। मैं क्या बुखार क्या होता है? मैं बाबा जी बन गया था तब तक मैंने बुखार भी नहीं देखा था। तो उसने बोला बाबा जी ऐसा होता है बुखार में, ऐसा होता। फिर मैंने कहा हे भगवान एक बार बुखार तो दे दे कि कैसा होता है जरा पता चले। तो फिर उस समय थोड़े दिनों के बाद बुखार तो आया, लेकिन उस बुखार का इतना मजा नहीं आया। अब जब 58 साल के हुए और तब जब बुखार चला तो बुखार की इसी तेसी मनोबल के कारण प्रोग्राम दिए करते रहते थे। और सोचा कि कुछ है शरीर में, थोड़ा टूट रहा है, थकान है। और बुखार बढ़ते बढ़ते, फालसी मलेरिया बढ़ते 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 पराकाष्ठा पे पहुंचा, तब पता चला कि अब इलाज करना चाहिए। तो ऐसी जीवलेवा बीमारियों का भी अनुभव करके बाहर आया। डॉक्टर तो सोच रहे थे कि अब गए, और हमको भी था कि अब आने अब चले। और चलने के लिए रात को हमारे सेवक को बुला के कहा कि अब तुम जाके सो जाओ और दरवाजा खटखटाना नहीं, खोलना नहीं, सुबह दरवाजा खुला हुआ मिले तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा तोड़ लेना और ऐसा ऐसा करना, और यहाँ कुछ आडंबर नहीं हो, यहाँ जो समाधि यहाँ लोगों को लूटने का काम ना हो, बापू जी के यहाँ मत्था टेकने लोग आए तो लूट ना चले, ऐसा करना, अभी किसी को बताना नहीं। तो सेवक घबरा कर रात भर आंखें फाड़ता बैठा रहा। हमने तो जाकर कोशिश की, अब तेरे को लेना है तो ले ले पूरा, दो मिनट लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। महाराज ऐसा रिएक्शन, तोबा हो गई इंजेक्शनों की तो तोबा हो गई। ओहो महाराज, फिर हमने अपना जो कुछ करना था, और कई बार तो हंसी आती थी, शरीर जब कहराने लगे क्या कैसा किसको हो रहा है, तो फिर हंसी आ गई। पीड़ा तो ऐसी कि कहराना पड़ता था मुझे, और फिर समझ भी ऐसी कि कहराने को भी देखने का मजा भी ले लेते थे। और फिर बढ़ता चला गया जो दर्द, इलाज करती हूँ मर्ज बढ़ता गया। तो फिर हमने कहा कि जब शरीर छोड़ना ही है तो फिर छोड़ो इसकी ममता। तो मैं ध्यान के कमरे में उसको समझा के चला गया, और मुझे जो कुछ प्राणायाम प्राणायाम करके प्राण यहाँ चढ़ाने थे और कुछ करना था, और संकल्प भाई चलो आ रहे हैं, बीमार होके थोड़ी जाएंगे, योगी होके जाना है कि कला जानते हम, तो क्या अब चलो। तो कुछ हो नहीं रहा था, फिर मैंने कुछ किया कि चलो प्राण प्राण चढ़ाओ जरा रुक, कुछ होता है। तो जैसे भीष्म ने ऊपर से, चंदीराम ने भी ऊपर से यात्रा कर दी, अपना साधक शिष्य ने जीवा तालू में चढ़ा दी और प्राण यहाँ से निकाल के रवाने हो गए हैं ध्यान में। तो हम ऐसा करना चाहते थे, नहीं हो पाया। तो मैंने डांटा, किसको? तुम्हारे बाप को। बाबा जी हमारे बाप को कैसे डांटा तुमने? अरे कि जो विश्व का नियता है वो तुम्हारा हमारा बाप लगता है, जयराम जी की, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को मैंने मोहब्बत में आके डांटा है कि अब तू लेना चाहता है तो लेता नहीं है, अब दवाई हम करते नहीं है, बोल तो वैद्य तू बन जा, तो रख नहीं तो ले ले। तो उसने कहा कि ठीक है,
ठीक है, तो अब उसकी प्रेरणा से तो अब तो महाराज 58 साल के बुढ़े और 65 साल के जवान हो रहे हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं, आप उससे मोहब्बत कर लो और बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती। वो बोलता है जब हम शांत होते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं, एक दिन में नहीं तो 10 दिन के बाद वो जवाब देगा। एक बार बिन बोला है, एक बार आप उसकी आवाज़ सुनने में माहिर हो जाओ, फिर तो आपको कदम कदम पे वो सत प्रेरणा देता है। एक युवक मुकुंद जो बाद में परमहंस योगानंद नाम से विश्व विख्यात हुए, परमहंस योगानंद, वो घर में थे और प्रार्थना करते, शांत होते, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम उपासना अगर उद्धव तुम मुझसे पूछता है तो इंद्रियों को शांत करके मन में ले, और मन को शांत करके उस मुझ आत्मा में ले आओ, ये उत्तम साधना है, उत्तम तरीका है संसार के दुखों से छूटने का और मुझ परमात्मा को पाने का, एकदम महाराज मार्ग है। महाराज मार्ग उस वचनों में नहीं है, मैंने व्याख्या की, लेकिन उत्तम रास्ता है। तो बाल मुकुंद नहीं, बाल मुकुंद नहीं, मुकुंद मुकुंद कुछ नाम ऐसा है, मुकुंदानंद के परमहंस योगानंद का पूर्व नाम मुकुंद जैसा है, बाल मुकुंद या कैसा, मैं थोड़ा भूल खा रहा हूं। तो वो लिखते हैं मुकुंद, मुकुंद नाम था, वो लिखते हैं कि मैंने कहा कि तू आवाज आ रहा है तो क्या पता ही, मैं एक मन बोलता है, दूसरे मन का दूसरी धारा दूसरा जवाब देती है कि आप ही बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूं, आप मेरे प्रभु ही बोल रहे हैं, जिनकी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका ध्यान करता हूँ, वही उसी की आवाज़ है कि मेरे मन की, मुझे पता नहीं है, तो आप थोड़ा परिचय दीजिए प्रभु। तो मुकुंद लिखते थे, उन्होंने लिखा, परमहंस योगानंद ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं सुनूं, मेरी रोमा बहन सुने और मेरी माँ सुने, ऐसी वाणी आई, मेरे होठ बंद है, मेरी जीभ चुप है, मैं बोल रहा हूं अब तो विश्वास करेगा, मेरी प्रेरणा है। ऐसे मैं जब पूजा करने जाता और फिर ध्यान में बैठता तो कई प्रेरणाएं होती, लेकिन एक बार ऐसा कुछ अच्छा भगवान ने काम करवा लिया, किसी गरीब की सेवा, बेहोश पड़ा था सड़क पर और मैं पूजा का सामान लेकर मंदिर में जा रहा था, तो पूजा का दूध जो था उसको मैंने पिला दिया और उसकी आंखें खुली, और वो बड़ा भूखा प्यासा था, बिहार का लड़का था, अहमदाबाद मजूरी करने पहुंचा था, रेलवे स्टेशन वालों ने मार भगाया था कालूपुर से, तो पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन पे जा रहा था, तो हमारा रास्ता, हमारा घर उसी इलाके में था, तो वहाँ बेहोश चक्कर खा के गिर गया था, तो लोग समझते थे शराबी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा पानी छीटा, थोड़ा उसका मूर्छा तोड़ा, पूछा भैया क्या जो भूख, तो मैंने वो पूजा करने के लिए जो दूध था ना महादेव को चढ़ाने का, तो मैंने कहा यहाँ तो हयात महादेव है भाई, उसको पिला दिया। फिर धीरे धीरे उससे बातचीत हुई, तो मेरे खर्ची के पैसे उसको मैंने दे दिए और घर से माँ के पास से कुछ खाना बनवा के मैंने उसको रिक्शा में बिठा के भेज दिया। तो बोला आज तो मैं तेरी पूजा सफल हो गई। मैं कहा कौन बोलता है जिसको तो रोज पूजता है वही बोलता हूँ। अब बेटा अब बस उस शब्द में फिर से नहीं दोहरा सकता हूं, लेकिन अब मैं प्रसन्न हूं, ऐसा ऐसा अनुभव होने लगा। फिर कभी कभी फिर जैसा आवाज आता, जैसी प्रेरणा होती, ऐसे करते करते जब तपस्या एकांत में गए, तो एकांत में जाए, मंदिर में जाए, तो पार्वती जी के गले से माला गिर जाए, शिव जी के बाण पर से फल कुछ बिली पत्थर आदि गिर जाए, तो ये बड़ा शुभ होता है। तो 40 दिन के अनुष्ठानों में बराबर का अनुभव, और बार बार करके लीला शासाई के पास जाओ। मैं क्या कौन बोल रहा है कि बोले मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा इष्ट देव बोल रहा हूँ, शिव पार्वती सहित सबके सहित हम तुझे वहीं मिलेंगे। तो फिर मैं भागा गुरुदेव के चरण। हाँ, गुरु जी ने देखा, अच्छा भगवान सब भला करे। दोपहर को 11 बजे तक हम पहुंचे थे गुरु जी के चरण। दूसरी दोपहर को 2 बजे, 2:15 बजे
पंचदशी ग्रंथ किसी को गुरुजी ने पकड़ाया पढ़ और मेरे को बुलाया। बस जितना स्विच ऑन करने में देर होती है उतना ही उस रब को पाने में देर लगती है। इसके पहले सारी लाइन फिटिंग फ्यूज व्यूज बाकी रोशनी करने में देर नहीं लगती, थंबे लगवाने में कनेक्शन लगाने में फिटिंग कराने में समय लगता, बाकी तो ओहो वो चला। और फिर किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मनुसृज्यते, किसकी इच्छा करे किस कामना के पीछे शरीर के ताप में तपे तुम निष्काम निरंजन ब्रह्म परमात्मा की बात। अरे महाराज तो ऐसा क्या, अब वहां वाणी नहीं जाती। फिर उसी में मस्त रहने के लिए 7 साल दिशा के आश्रम में कुटिया में मौज मार के ऐसे पक्के बने के फिर कोलाहल में भी जाना है तो ये हमारे को अक्कल नहीं थी। गुरुजी ने बोला वहीं रहो, ऐसी जगह रख दिया कि चारों तरफ झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी के बीच एक कमरा था किसी भगत का, उसने साईं लीला शाह आश्रम नाम ठोक दिया उस पर, बोले वहीं रहो। और गुरु जी को मैं लिखता कि मेरी गुफा है, मेरे मित्र संत हैं, नर्मदा किनारे हैं, आप आज्ञा दे तो वहां जाऊं, बोले नहीं वहीं रहो। रात को कुत्ते भौंकते और दिन को झोपड़पट्टी के छुरे गालियां लिख जाते दीवालों पर इधर उधर, एक 10 मिनट भी जहां जीना मुश्किल था लेकिन गुरु आज्ञा तो अपने मन की तो सदियों तक करते आए, अब गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि किया तो फिर मन की गुलामी निकल गई, मति की गुलामी निकल गई, गुरु कृपा ही केवलम। फिर चिट्ठी लिखूं कि जी करता है कि हम ये आश्रम को ताला लगा के चाबियां दीवार से अंदर फेंक के मैं चला जाऊं, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूं, और दाढ़ी भी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, गर्मी हो रही है, जब हम आपको अर्पण हुए तो हमारे बाल और दाढ़ी हमारे बाप के नहीं आपकी मिलकत है, आज्ञा दें तो मैं बाल जरा कम करवा दूं। आज्ञा आती तब बाल छटाई करते थे जयराम जी की। तो जो गुरु की आज्ञा में चलता है तो फिर महाराज आप तो समझ जाएं कि मन की आज्ञा से बाहर आने के लिए तो सदगुरु की आज्ञा में तो बड़ा लाभ हो गया मुझे तो। मुझे तो इतना गुरु की आज्ञा ने मजबूत बना दिया कि अब मुझे इतने माहौल में भी एकांत और भीड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य करे चाहे भिक्षा मांग के खाए ब्रह्मज्ञानी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए आपका मनुष्य जीवन है, आपका उद्देश्य यह है कि जिसकी मौत नहीं होती वो आप हैं उसको आप जान लो, जिसको दुख नहीं छूता है वो आप हैं आप उसको जान लो, जिसको बीमारी टच नहीं करती वो आप हैं आप उसको जान लो। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, गुरुवाणी आती तू ज्योति स्वरूप, दुख को भी देखता है सुख को भी देखता है चिंता को भी देखता है प्रसन्नता को भी देखता है। तो प्रसन्न होकर बहमत प्रसन्नता जिससे दिखती है उसके साथ रह, दुखी होकर दब मत, दुख जिससे दिखता है उसके साथ रहो।